नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HF अड्डा में और मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। दोस्तों, पहले पाकिस्तान से बाजवा का बयान कि भारत और पाकिस्तान को अपने गिले शिकवे भुलाकर इतिहास को दफनाकर आगे बढ़ना चाहिए। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा समझौता जिसमें सीज फायर और जैसी तमाम चीजें सरहद पर होने वाली गोलीबारी को रोकने के लिए एक मसौदा साइन हुआ और उस पर अमल किया गया, यानी कि सरहद पर अब शांति है। और इसी दौरान हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इमरान खान को पाकिस्तान नेशनल डे पर खत लिखकर बधाई देना, यानी कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते दोबारा सुधरने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच एक और खबर आई है। खबर है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले T20 सीरीज को लेकर। लेकिन अब इस खबर में कितनी सच्चाई है और कहाँ से ये खबर आ रही है वो भी जानते हैं। दरअसल सोशल मीडिया, इंटरनेट और न्यूज़ चैनल्स पर यह कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर में 6 दिन के स्पेस में दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैच करवाए जा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान T20 सीरीज प्लान कर रहे हैं। वहीं दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होने के बाद दो देशों की T20 सीरीज को लेकर भी उम्मीद बढ़ गई है। और अब T20 विश्व कप से पहले अक्टूबर नवंबर में इस सीरीज के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारी अभी ऐसी किसी भी सीरीज फाइनल होने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक उर्दू अखबार में छपी रिपोर्ट में बताया गया कि PCB यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा है कि भारत के साथ इसे लेकर कोई भी सीधी बात नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिससे हमें सीरीज के लिए तैयार रहना चाहिए। बताते चले कि दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड्स ने भी इससे इनकार किया है। वहीं IANS से बात करते हुए भारतीय क्रिकेट के एक अधिकारी ने कहा है कि नहीं, हमारे पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि भारत पाकिस्तान के साथ सीरीज खेल रहा है। वहीं पाकिस्तानी JioTV ने भी PCB चेयरमैन एहसान मनी के हवाले से कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज को लेकर हमारा किसी के साथ कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। आखिरी बार दोनों टीमों के बीच साल 2012-13 में सीरीज खेली गई थी। तब पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आई थी। उस वक्त दोनों देशों के बीच वनडे और T20 सीरीज हुई थी, लेकिन उसके बाद कभी दोनों मुल्कों ने दो देशों वाली सीरीज के लिए एक दूसरे का दौरा नहीं किया। और अब दोनों देशों के बीच राजनीतिक टेंशन या कहे कि वाद विवाद के चलते भारत पाकिस्तान की टीमें सिर्फ ICC के टूर्नामेंट्स और एशिया कप में ही आमने सामने खेलती नजर आती हैं। खैर दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच T20 सीरीज होती है या नहीं, क्योंकि दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने इससे फिलहाल इनकार कर दिया है। लेकिन अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई दोनों देशों के बीच T20 सीरीज होनी चाहिए? आपका जो भी कहना हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।